तो अगर तुम इंस्टाग्राम या ट्विटर पर एक्टिव हो ना, तो आई एम श्योर कि तुमने ये ट्रेंड तो पक्का देखा होगा जहां पर लोग अपने नाम की मीनिंग को जाके अर्बन डिक्शनरी पे सर्च करते हैं और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके वो अपने स्टोरी पे शेयर करते हैं। जब मैंने पहली बार इस ट्रेंड को देखा ना, तो मेरे को लगा यार इसमें ऐसा क्या है कि लोग इतना ज्यादा इसको लेके परेशान हो रहे हैं, इतना ज्यादा ये चीज ट्रेंड कर रही है, इतना ज्यादा ये चीज वायरल हो रही है। और जब मैंने इसके बारे में सोचा तो मेरे को जब ये रीजंस मिले, तो मैंने इस रीजंस को बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल से रिलेट किया जिन एग्जाम्पल्स के कारण ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनती है। तो इस वीडियो में तुमसे बात करने वाला हूँ कि क्यों ये अर्बन डिक्शनरी का जो ट्रेंड है वो इतना ज्यादा फैल रहा है और इसके पीछे के क्या रीजंस है। सो रीजन नंबर वन, द फील गुड स्ट्रैटेजी। अब इस बात को बड़े सिंपल से एग्जांपल से समझाओ। देखो तुम इंस्टाग्राम पर हो, हाँ हो, और तुमने ऐसे बहुत सारे पेजेस को फॉलो करके रखा होगा, जो पेजेस अपने राइटिंग्स को पोस्ट करते हैं, जो पेजेस अपने कोर्स को पोस्ट करते हैं, जो पेजेस शायरी पोस्ट करते हैं, जैसे राहुल कौशिक है, जैसे इनर वॉइस है, और इन पेजेस की बहुत बड़ी बड़ी फॉलोइंग है, 1 मिलियन 2 मिलियन 5 मिलियन करके। अब तुम्हें कई बार ऐसा फील होता होगा ना कि यार ये जो पेजेस हैं या फिर ये जो जो राइटर्स हैं वो वैसी चीजें कैसे लिख लेते हैं जो मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे फील कर रहा होता हूँ, या फिर मैं जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो मेरी जिंदगी में हो रहा होता है वो लोग इसको पोस्ट कैसे करते हैं, आखिरकार ये लोग ऐसा क्या जान लेते हैं कि मेरी जिंदगी में जो चल रहा है वो इनको पता होता है और वो लिख के पोस्ट करते हैं। देखो इसका ना सिंपल सा रीजन है, और वो रीजन ये है, देखो इंसान ना एक बिहेवियरल पैटर्न पे रन करता है। हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं उन सब का एक पैटर्न होता है। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पर एक इमोशन डोमिनेट कर रहा होता है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, एंजाइटी हो, गुस्सा हो, ब्रेकअप हो, पैचअप हो, कुछ भी हो। अब किसी एक पेज है जिसकी 1 मिलियन फॉलोइंग है, मान लो वो पेज एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई पोस्ट करता है जो एक हैप्पी पोस्ट है, तो उस 1 मिलियन में से कोई ना कोई बंदे तो ऐसे होंगे ही ना जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हैप्पी होंगे, या फिर अगर वो पेज जो है कुछ सैड वाला पोस्ट करता है तो उस 1 मिलियन बंदों में से कोई ना कोई बंदे तो होंगे ही ना जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैड होंगे, तो उसके हिसाब से सबको लगता है कि यार ये तो कितना रिलेटेबल है, जबकि बात कुछ रिलेटेबिलिटी वाली नहीं है। बात है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर इंसान कोई ना कोई कॉमन इमोशन से गुजर रहा होता है, जो उस टाइम पे उसको पोस्ट दिखती तो उसको लगता है भाई ये तो कितना रिलेटेबल है। तो ये पूरा गेम होता है। अब बात करें अगर अर्बन डिक्शनरी के ना, तो एग्जैक्ट सेम चीज है कि तुम देखोगे ना सबके नाम में अच्छी अच्छी बातें लिखी है, सबके नाम में अच्छी अच्छी बातें लिखी है। अब भले वो बातें कितनी सही हो कितनी झूठ हो, लेकिन सबके नाम में कुछ तारीफ ही है, तो सबको लगता है वाओ यार ये देखो कितनी रिलेटेबल बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं कितना हार्ड वर्किंग हूँ, देखो मैं हार्ड वर्किंग हूँ, यार देखो ये बात कर रहा है कि मैं कितना सेंसिटिव हूँ, मैं कितना हेल्पिंग हूँ, हाँ मैं तो हूँ ही हेल्पिंग, तो सबको लगता है वो कितनी अच्छी बात है, और लोग खुश हो जाते हैं जब उनको तारीफ मिलती है, तो उसके बाद उसको शेयर करते हैं। अब सामने वाला जो बंदा है वो देख रहा है अबे इसने इसके नाम का मीनिंग का मतलब हेल्पिंग बताया, देखता हूँ कि ये जो डिक्शनरी वो मेरे बारे में क्या बोलती है। अब वो बंदा जाएगा सर्च करेगा, उसको भी मिलेगी ढेर सारी तारीफ, अब फिर वो करेगा, तो ये पूरा साइकिल होता है। तो ये सारा गेम जो है ना ये तारीफ का ये गेम है। रीजन नंबर टू, द पैराफ्रेजिंग स्ट्रेटेजी। देखो तुम्हें याद है पहले ना कंप्यूटर्स में एक गेम आता था जो एक कार्ड का मैजिक गेम होता था, उसमें क्या क्या होता था ना, बेसिकली वो जो गेम होता था वो तुम्हें बोलता था कि तुम्हारे सामने 20 का कार्ड्स हैं, इन 20 कार्ड्स में से तुम कोई एक कार्ड को चूज कर लो, और फिर तुम एक कार्ड को चूज करते थे, फिर वो जो गेम है वो अपने आप सारे कार्ड को शफल करता था, और उसके बाद तुम देखते थे कि जो तुम्हारा कार्ड है वो गायब हो गया। अब सबको लगता है कि यार ये इसने मेरे कार्ड को जान कैसे लिया, ये इसने मेरे कार्ड को गायब कैसे कर दिया, ये कंप्यूटर है लेकिन फिर भी ये मेरी बात को समझ गया। जबकि रियलिटी में क्या क्या हो रही थी पता है, बात ये होता था कि वो 20 के 20 कार्ड्स को गायब कर देता था, लेकिन यहाँ पर क्या होता था, तुम सिर्फ अपने कार्ड के ऊपर ध्यान देते थे, तो तुम्हारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने कार्ड के ऊपर होता था, तो तुम क्या देखते थे, मैंने इस कार्ड को चूज किया, अब इस वाले में मेरा कार्ड नहीं है तो मैजिक हो गया, जबकि वो लोग सारे कार्ड्स को रिप्लेस करते थे। अब यहाँ पर भी ना एग्जैक्टली सेम चीज होती है, तुम देखते हो यार इतने मेरे बारे में कितनी अलग बात बोली, लेकिन अगर अलग तुम कंपेयर करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो बात जो वर्ड का मीनिंग है जो उस वाले नाम का मीनिंग है वही एग्जैक्ट सेम नाम का मीनिंग तुम्हारा भी है, बस उसको पैराफ्रेज कर दिया गया है, उसके जो एडजेक्टिव्स हैं उसके जो लिखने का वे है उसको चेंज कर दिया गया है, बाकी सबको तारीफ ही मिली है। एग्जैक्टली सेम चीज होती है जो न्यूज़पेपर में हॉरोस्कोप्स आते हैं ना, आई एम नॉट सेइंग कि
सारे के सारे जो हॉरोस्कोप्स आते हैं वो सारे के सारे बकवास होते हैं, पर काफी होते हैं। तो तुम अगर कुछ एक दो महीने के न्यूज़पेपर्स को उठाओगे ना और उसमें तुम हॉरोस्कोप्स को कंपेयर करोगे तो तुम्हें एक पैटर्न मिलेगा कि हर बंदे के एक महीने के में इसमें लिख रहा, आज तुम्हें इसमें दिक्कत होगी, आज तुम्हें वहां फायदा होगा, आज तुम्हारा लकी नंबर ये है, आज तुम्हारा लकी कलर ये है, और उसके बाद एक साइकिल पे उसको राउंड करते रहते हैं। लेकिन तुम्हारा फोकस होता है उस स्पेसिफिक डे के हॉरोस्कोप पर, तो तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं है। और ये है स्ट्रैटेजी नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, दी विकीपीडिया स्ट्रैटेजी। अब तुम्हें ये बात पता होगी कि विकीपीडिया पर कोई भी बंदा जाके कुछ भी टाइप कर सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है। अब देखो वर्ल्ड में ना बहुत सारे नेम्स हैं, तो अर्बन डिक्शनरी के लिए इतना पॉसिबल तो है नहीं कि वो सबके नेम्स को वहाँ पे टाइप करे। तो उसने भैया प्लेटफॉर्म ओपन छोड़ दिया कि तुम वहाँ पर आओ और अगर तुम्हें अपना नाम मिलता है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें अपना नाम नहीं मिलता तो तुम अपने नाम का मीनिंग टाइप कर दो। तो यहाँ पर किसी भी बंदे को डिसअपॉइंटमेंट होती ही नहीं है, और ये बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कंज्यूमर की रीच को पाने के लिए। और ये बड़े सिंपल से स्ट्रैटेजी है कि तुमने यूजर को ही अलाउ कर दिया कि प्लेटफॉर्म तुम्हारा, तुम्हें जो करना है वो करो। तो बस ये सारी स्ट्रैटेजी के कारण ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जो अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने वाला है, और ये वीडियो भी है। सो या गाइस, दैट वाज द वीडियो व्हाई दिस अर्बन डिक्शनरी ट्रेंड इज सो ट्रेंडिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी बाकी वीडियो तो देख लेना। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज इट फॉर माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।